हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपको मैं भोकुंड नर्सरी के बारे में कुछ आपको जानकारी देता हूँ। देखो सामने ये जो भोकुंड नर्सरी का ये रोड लगा है और यहाँ पे कुछ चित्र दर्शाए गए हैं और इधर भोकुंड नर्सरी के कुछ पेड़ हैं, इसमें नर्सरिया में इसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आओ आप लोगों को देखो, यहाँ दोस्त लोग टहलने आए हैं, ये लोग भी नर्सरी में आए हैं टहलने के लिए और ये लोग हमको कुछ जानकारियाँ देंगे। भाई कौन सा नर्सरी? भोकुंड नर्सरी है ना, ये भोकुंड नर्सरी है। ये लोग बताते हैं भोकुंड नर्सरी, इसके पहले ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे। इन लोग भाई आप लोगों का स्वागत है मेरी तरफ से और आपको कुछ दिखाने जाते हैं। इधर कुछ पेड़ पौधे के बारे में बताते हैं, कौन सा पेड़ है ये देखो गोल्डन, ये पेड़ का नाम है गोल्डन स्वर, ये इसका नाम है बहावा, मराठी में बहावा बोलते हैं। आप शायद ये बोर्ड में आप देख सकते हैं इसका, इसको बराबर क्लियर से आप देख सकते हैं, बहावा लिखा है। ये पेड़ है बहावा, गोल्डन इसका पेड़ है। इधर आपको और जानकारियां देता हूँ इधर ये पेड़ के बारे में और कुछ यहाँ पे बोर्ड लगा है उसके बारे में आपको दिखाना चाहते हैं और आपको नई नई जानकारी देना चाहते हैं नर्सरी के बारे में। हम सोचे आपको नर्सरी का बोर्ड कुछ ला के दिखाते हैं, नर्सरी के बारे में कुछ बताते हैं। यहाँ पे बोर्ड है, देखो बोर्ड में लगा है कि यहाँ पे जगत भारत हरित चौरस में जाते मूंग दर वर्षी 50 टन माटी, मतलब ये जो यहाँ पे इधर माटी के जो भूसी माटी होता है खसादर, तो अक्सर ऑक्सीजन मूल्यात पहुँचाते हैं ये लोग, ऑक्सीजन पहुँचाते हैं यहाँ पे। और इधर शायद आपको और इसके बारे में आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं, आगे आपको बताएंगे वीडियो और आप लोगों को अच्छे अच्छे नर्सरी के बारे में जानकारी देंगे। शायद आप लोगों को ये नर्सरी देख के पसंद आएगा, शायद आप लोगों के इसके बारे में बताएंगे, कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे और यहाँ पर आप लोगों को दिखाएँगे। एक दूसरा नया पौधा आया है, ये नया पौधे के बारे में दिखाते हैं। देखो ये नया पेड़ है, इसमें देखो ये लगा है, इसके बारे में आपको दिखाते हैं। देखो इस पे लिखा हरियल ग्रीन पिगोन, हरियल या हरियल का पेड़ है। इसमें देखो ये लंबी लंबी सी फल आया है तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहते थे कि चलो कुछ नर्सरी के बारे में जानकारी देते हैं। और फिर आगे दूसरा बोर्ड है, उसमें भी आपको जानकारी देते हैं। हम सोचते हैं खासकर कि आप लोगों को कुछ नर्सरी के बारे में कुछ बताएं। देखो यहाँ पे ये बोर्ड के उस पर का वो शायद है नहीं, फिर भी मैं आगे आप लोगों की वजह से थोड़ा आगे बढ़ के देख के बताते हैं इसमें क्या लिखा है। ये लिखा है इसमें सुपारा एक मतलब है सुपारची वृक्ष का, मतलब ये है जो कहाँ गार्डन में लगाया जाता है घर के सामने वो वाला पेड़ है। और मैं सोचा कि आपको ये वीडियो लेके आए दिखाएं, अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं आपको। और ये गार्डन है न्यू मुंबई का, मतलब नर्सरी है। हम सोचे कि अपने दोस्त को आज अपने चैनल पे इन लोगों को अच्छी अच्छी और नर्सरी के बारे में कुछ जानकारी दें, शायद आप लोगों को ये जानकारी मिलकर खुशी होगा कि ये देखो ये कौन सा खड़ंचा चिड़ेगा। इधर देखो इसके बारे में दर्शाया गया है, यहाँ पे ये पेड़ लगा है, इसके बारे में ये बोर्ड भी देखते होंगे शायद आप। तो मैं सोचा कुछ नर्सरी के बारे में आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर देखो जामुन का पेड़ लगा है, नर्सरी में जामुन का पेड़ है और ये हरियल का पेड़ है। देखो मैं हरियल की तरफ ऐसा है जो ये फल है ना, ये आपको दिखाते हैं हरियल की तरफ। देखो ये पेड़ लंबा इसमें फल आया है, ये हरियल है, शायद तोड़ने पर मना ही होगा, मैं इसीलिए इसको तोड़ नहीं सकते, आपको दिखा ही सकते हैं क्योंकि ये नर्सरी में मैं बोला वॉचमैन से जा सकते हैं आप, इसीलिए मैं कुछ बताया आपको दिखा सकते हैं। देखो ये पेड़ का मैं शायद नाम नहीं जानता हूँ, इसके भी ये भी हरियल है, इसमें मतलब देखो फल आया है लंबा सा, जैसे गांव में लोबा होता है इसकी तरफ से, इस तरह से है। और ये जो ये नर्सरी है, नर्सरी में देखो ना शायद आपको काली टंकी रखा है, इसके जरिए से पानी पेड़ में देते हैं। देखो एक पेड़ का नाम है बहावा, गोल्डन स्वर मतलब बहावा, मतलब इसका जो फूल आता है तो गोल्डन कलर की तरह रहता है, इसीलिए मैं सोचा आपको नर्सरी के बारे में नई जानकारी देते हैं वीडियो के माध्यम से आपको। और दोस्तों आपको और दिखाते हैं,
नर्सरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया भी बहुत हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब अच्छी अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको टहलने से आने वक्त वातावरण सही है, क्योंकि नर्सरी यहाँ पे वायु शुद्ध वायु मिल जाएगा आपको। मैं सोचा ये वीडियो लेके आप लोगों को सामने दिखाता हूँ। देखो गाय गाय बगला मतलब ग्रेट बबुल्स आईबीएस, मतलब ये आपको दिखाया गया है गाय बगला, मतलब इसके बारे में दिखाया गया आपको, और दिखाते हैं शायद आपको कुछ अच्छी जानकारी दे सकते हैं हम। और सामने देखो, ये सामने देखो बड़ी बिल्डिंग है, ये सामने बड़ी बिल्डिंग है, हम सोचे कि कुछ इसी के सामने शायद सामने जस्ट सामने बड़ी बिल्डिंग है, उसके बारे में आपको दिखाने के लिए मैं सोचा कि हम दिखा। देखो इसमें बहुत पेड़ है, मैं मतलब चिड़िया बहुत बोल रही हैं यहाँ पे। देखो ये मधुमक्खी ये जो पेड़ है ना, इसमें मधुमक्खी छाता भी लगाती है, इसीलिए मैं थोड़ा डर डर के आपको दिखा रहा हूँ, शायद कहीं मधुमक्खी ना हो आक्रमण कर दे। देखो मधुमक्खी का सीधे सामने बोर्ड भी लगा है, आप देख सकते हैं ये बोर्ड में, आपको मधुमक्खी का बोर्ड भी देख सकते हैं, इसलिए मैं सोचा कि मैं डर डर के दिखा रहा हूँ, कहीं ये नर्सरी है, इसी तरह कहीं पे अगर मधुमक्खी छाता लगाया होगा तो हमला भी भूल सकता है, इसलिए मैं आपको सोचा कि डर डर के पूरी नर्सरी के बारे में जानकारी देता हूँ। और दोस्तों हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना ये छोटा भाई प्यारा प्यारा भाई सा भाई को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, अगला वीडियो आपको ला के दिखाता रहूँगा ऐसा वीडियो।